नूह में एक बार फिर हिंसा भड़काने की साजिश। वीएचपी ने किया हिंदू रैली निकालने का ऐलान। हिंदू रैली निकालने पर अड़ी वीएचपी। हरियाणा में जो हिंसा हुई है उससे हर कोई डर के साए में है, लेकिन फिर भी वीएचपी ने हिंदू रैली का एक बार फिर ऐलान कर दिया है, जिसे देख अब लगने लगा है कि नूह में वीएचपी को शांति पसंद नहीं, इसीलिए एक बार फिर हिंदू रैली का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, नूह में तनाव के बीच जलाभिषेक यात्रा निकाली जाएगी। हरियाणा प्रशासन की अनुमति नहीं देने के बाद भी ये यात्रा 28 अगस्त को सुबह 11 बजे ही निकाली जाएगी। जलाभिषेक यात्रा 28 को ही यानी श्रावण मास के अंतिम सोमवार को निकाली जाएगी। इस यात्रा के लिए चूंकि ये तीर्थ यात्रा है और तीर्थों के लिए किसी परमिशन की आवश्यकता किसी को नहीं होती, ये तीर्थों का देश है। सोमवार को प्रातः 11 बजे इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे और वो यात्रा भी 11 बजे निकाली जाएगी। तो देखा आपने कैसे वीएचपी नेता विनोद बंसल इस वीडियो में कह रहे हैं कि तीर्थ यात्रा के लिए अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीएचपी और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यात्रा सुबह 11 बजे नूह के नरहर महादेव मंदिर से निकाली जाएगी और फिर फिरोजपुर झिरका के झीर मंदिर और बाद में पुनहाना के सिंगार मंदिर तक जाएगी और शाम 4 बजे समाप्त होगी। सर्व हिंदू समाज के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन कर रहे वीएचपी की युवा शाखा बजरंग दल के सदस्यों के अनुसार वो सभी सावधानियां बरत रहे हैं। गौरक्षा दल हरियाणा के नारायण ने कहा कि लाइसेंस वाले सभी लोग आत्मरक्षा के लिए हथियार रखेंगे। पीटीआई के अनुसार मुख्यमंत्री ने रविवार को साफ कर दिया है कि हरियाणा प्रशासन ने नूह में कानूनी व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जल अभिषेक यात्रा निकालने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन भक्त पास के मंदिरों में अनुष्ठान कर सकते हैं। यानी हरियाणा सरकार ने वीएचपी और बजरंग दल का दबाव मानने से इनकार कर दिया। नूह में भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद हिंदू संगठनों के सिद्ध किसी और तरफ भी इशारा कर रही है। दूसरी तरफ नूह में सन्नाटा पसरा हुआ है, ज्यादातर मस्जिदों पर ताले लगे हैं। नूह में 31 जुलाई को हिंसा उस समय भड़क उठी थी जब वहां जलाभिषेक यात्रा निकल रही थी। फरार मुलजिम मोनू मानेसर और अब गिरफ्तार हो चुके बिट्टू बजरंगी के वीडियो बयानों से मेवात का इलाका पहले से ही तमाम तरीके की हिंसा झेल रहा है और तनाव झेल रहा है। मोनू मानेसर ने वीडियो बयान जारी कर 31 जुलाई को नूह आने की चुनौती दी थी। बिट्टू बजरंगी ने अपने वीडियो बयान में आपत्तिजनक बातें कही थी। मोनू मानेसर दोहरी हत्याओं में नामजद आरोपी है और फरार है। इन्हीं दोनों पर मेवात का माहौल बिगाड़ने और 31 जुलाई की हिंसा का आरोप है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सवाल उठाया था कि धार्मिक यात्रा में लोग हथियार लेकर क्यों गए थे। बहरहाल नूह की हिंसा गुड़गांव पलवल और फरीदाबाद तक फैली। इन घटनाओं में एक धर्म गुरु के साथ साथ 6 लोग मारे गए। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को जला दिया गया और कुछ में तोड़फोड़ भी की गई, लेकिन पुलिस ने नूह से बड़े पैमाने पर समुदाय विशेष के लोगों की गिरफ्तारियां की हैं। 3 एनकाउंटर भी किए गए हैं। अब ऐसे में देखिए एक बार फिर से वीएचपी ने हिंदू रैली का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस यात्रा के लिए साफ मनाही है। लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? बुलंद हौसले एक तरीके से देखने को मिल रहे हैं वीएचपी के, लेकिन क्या सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।